सर आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जावेद साहब यहाँ आए हैं, हम इनसे बहुत सारे रोमांटिक गाने सुनेंगे। ओए ओए ओए, जब रोमांटिक गानों की फरमाइश आती है तो बेगम साहब खुश होती हैं या खुश हो जाती हैं? उन दोनों के दरमियान में रहती है। आप तो खिल जाते होंगे। हाँ जी, आपको पता है एक मतलब रोमांटिक नाम ही लफ्ज ही ऐसा है, लेकिन ये एक उम्र के हिसाब तक है। सब आप माशाल्लाह जवान जाना। आप मेरी बात ना करें। रोमांटिक गाने तुसी सुनाने देना सर, तो मैं नहीं, ये अब किसी और तरफ बात चली गई। यही ऐसा डेंजर जोन में चली गई। नहीं, प्यार मोहब्बत अगर अच्छा हो तो वो हर दौर में ही अच्छा होता है। डेंजर जोन से डेंजर माउस याद आया। कौन सा रोमांटिक गाना आप सुनना चाहेंगी जावेद साहब से? सर का एक पंजाबी सॉन्ग है, हजे लथा नहीं है। अजे लथा नहीं, अजे लथा नहीं है। आप कनेड की पढ़ी हुई जी सर? उर्दू ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती है। कुड़ियां कह रही होंगे ना कि हज लाथा नहीं है, आखियां दा चा तू थोड़ी देर हो ठहर जा। चंगा भला रोमांटिक गाना है जी, सोना ना चांदी उन्हूं भी इंज गाना है, सोना ना चांदी ना कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, तीन गुना लगा लूंगा। कैफी साहब की बड़ी रूह लगी है जी, माशाल्लाह। रोमांटिक हो गए ना। ए कुड़ी दी भी रूह लगन वाली है, क्योंकि अजय नु हजे कह रहे हैं। जी जो फरमाइश थी जी, क्या बात, क्या क्या। जावेद सर ये बताइए कि अब ये जो गैर मामूली पुख्तगी है आपके सुर में और ये जो गैर मामूली कमांड है, मुझे याद है अहमद भाई ने जो एक शो आपके साथ शुरू किया था, एटीवी पे चलता था, ए प्लस पे। जी जी जी, उस वक्त फ्यूजन विद जेबी। यस, जो फ्यूजन विद जेबी का था वो, यानी कि खुला गाना। हाँ बिल्कुल, और इतना खुला गाना और इतना सुर में गाना। ये मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत मतलब कहने के ऑथेंटिक है कि सुर में दो ही चीजें हैं गाने बजाने में, एक सुर का होना इंपॉर्टेंट है और एक लय का। अगर सुर कमजोर है लय है, दैट इज नथिंग। अगर लय पुख्ता है सुर कमजोर है वो भी तो कुछ नहीं। यानी दोनों चीजें अगर अपनी जगह पे खड़ी हैं और एग्जैक्टली खड़ी है 100%, तो फिर आप गाना बजाना कर सकते हैं। बिल्कुल, नहीं तो नहीं। तो मैं पूछना चाहता कि इतनी कमांड, इतनी पुख्तगी, ये बचपन से थी, जीन्स में आपके थी, या फिर रियाजत का इसमें ज्यादा दखल है? इसकी परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं, क्या रेशियो आप देखते हैं अपने अंदर? पहले तो बड़ी रियाजत करता था मेरी वालदा, कई दफा ना मैं कैफी भाई जी सर, मैं रियाज करता तो पसीना बड़ा अजीब, 8-8 घंटे 6-6 घंटे का मेरा रियाज था। तो मैं देखता था कि मेरी वालदा घबरा जाती थी, वो कहती इतनी गर्मी में मतलब पंखा भी बंद किया हुआ है। अब ये बड़ी कमाल की बात है कि जब पंखा चलता है ना तो सुर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो वो मुझे पंखा बंद करना पड़ता था, तो वो पसीना और बुरा हाल। तो वो कहती थी कि इतना रियाज करके तुम किधर गाओगे, कहाँ जाओगे, तो प्लीज थोड़ा सा गाने का टाइम तो बंदा बेहोश हो जाए, बंदा रियाज कर ले कि टाइम है तो बंदा बेहोश हो गया यार, तौबा। नहीं, थोड़ा बड़ी बात, बेहोशी से बाज रहे। माँ को तो फिर फिक्र होती है। अच्छा, तो लेकिन 8 घंटे रियाज, बड़ा बड़ा रियाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो उससे ये होता है कि आपका फिर ये भी मैं आपको बता दूं, ये यंगस्टर के लिए बात है। मैं ये सवाल भी देखे ना, ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा कि लोगों को अंदाजा हो कि जावेद बशीर अपने सुरों में एक जादू पैदा करते हैं, तो वो जादू जो है वो बगैर रियाजत के पैदा नहीं हुआ है। क्या बात, नहीं नहीं नहीं, वो तपस्या है। जी हाँ, वो यही है कि मतलब एक चीज है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। ये है देखिए, ये रियाजत है। थोड़ा थोड़ा मतलब ये रे 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 सा आंदोलन है, इसको आंदोलन बोलते हैं। जी, आंदोलन झूलता हुआ। तो वैसे इसको जो जब पानी निकल जाता है समंदर से, जो वो लहरें होती हैं, आंदोलन उसको भी बोलते हैं, जो लहरें लहरों के निशान होते हैं। मिकाल हसन बैंड का एक एल्बम है तो उसमें गाना भी था आंदोलन। हाँ बिल्कुल, तोरे बिना मोहित चैन, तोरे बिना, वो भी सुनाता हूँ। क्या बात, कैफी का मिजाज तोरे बिना की तरह। वो ये मेहनत की बात है, और मैं समझता हूँ ये ऊपर वाले की तरफ से भी होता है। वसीम भाई,
है तो ऊपर वाले की तरफ से, बेसिक तो वही है। असल में तो देखिए जावेद साहब, हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि उसने फर्ज कर लीजिए आपको 60% गला दे दिया, बाकी 40% रियाजत से लिया। बज़ाहिर इंसान ये समझता है कि रियाजत मैंने की, 8 घंटे मैं बैठा, पसीना मैंने निकाला, मगर उस रियाजत की तौफीक भी उसी के दिए हुए आजाद से और उसी के दिए हुए जहन से और उसी के दिए हुए गले से कर रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ ही उसी का है। मैं तो इसको इस तरह भी देखता हूँ कि अगर वो चाहे, जी जी बिल्कुल, तौफीक का जलब देखो ना, अगर वो नहीं चाहता तो फिर वो बंदा सारी जिंदगी हुक्का ही पींदा रहता है, नहीं पता कि हुक्के दे विच की है। हाँ। सॉरी अगर कोई हुक्का पींदा तो मैं उसको माफ़ी, तो भी सुरीला करके पींदे होने। तो आप ये गले का ख्याल रखते हैं या खाने पीने में कोई एहतियात नहीं करते? मैं रखता हूँ गले रखते हैं, क्योंकि बाकी फर्क पड़ता है जावेद साहब? वसी भाई बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप ठंडी आइसक्रीम खा लें, जी जी, स्पेशली बिरयानी से बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, बिरयानी आप खा लेंगे आपका गला चलता बंद हो जाएगा माशाल्लाह। माशाल्लाह। पर कुछ लोग बाजी नहीं आते, वो बिरयानी खा के गाते हैं। उसमें क्या हाल बात है, चावल की वजह से या किसी? वो चावल ड्राई होते हैं। हाँ। रिदा? रिदा से भी पूछ ले, वो उदास बैठी है। चावल ड्राई होते हैं, ड्राई होते हैं, मगर गला ड्राई करने के लिए तो आपकी कम्युनिटी के लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं। कम्युनिटी ना बोले, ये इसी तरह है, एक रिवाज की तरह है, जिसको जो सूट करता है वो करता है। तो फिर कौन सी चीज शौक से खाते हैं? मैं ज्यादातर वो देसी मुर्ग हो, देसी और उसका शोरबा, और देसी घी में बना हो तो वो और उस ऊपर से बना भी अच्छा हो। हाँ, ना होवे के मगरों लाया होवे, कुकड़ नु तड़फा देवे पानी च, सुरीला बने होवे ना, एना पानी पा दो कुकड़ जिंदा होके तैरन लग पवे। ना कुकड़ उड़ जाए। अच्छा, पता नहीं क्यों आपसे, चूंकि हमारी दोस्ती भी है, इस सुना च कुकड़ किमें उड़ाओगे, जरा दिखाओ तुसे। वो मैं बताता हूँ। अब कुकड़ दो उड़े तो कैसे उड़ते हैं? दो उड़े दो, खान साहब का दिल लग गया अब कुकड़ों में। डबल कर दिया उसको। क्या बात। तो शादी के बाद भी आपका 7-8 घंटे का रियाज जारी रहा या? शादी के बाद फिर मसरूफियत हो गई, 2002 में मेरे गाने आना शुरू हो गए, मिकाल हसन बैंड, और पहला गाना मेरा आया था कि मैं मुखड़े तो नजर हटावा, बाली सागू, जो कि बाली सागू के साथ था, रोमांस एंड डांस विद बाली सागू। उसमें घर आजा नहीं हो दिल लगदा सुपरहिट हुआ था, फिर दीवाने नच दे सुपरहिट हुआ था, जी जी। फिर उसके बाद एक ऋषि रिच की एल्बम आई थी सिंपली रिच, वो भी गाना मेरा बहुत सुपरहिट हुआ था कि मैं मुखड़े, तो वो भी मैंने खासब का डब किया था। वाह। तो इस तरह मेरी वो चली बात। तो मैं इतना फिर बिजी हो गया, फिर शादी के बाद रियाज करने का इतना मौका नहीं मिला। नहीं मतलब 6-7 घंटे 5 घंटे बेगम साहब को? नहीं नहीं नहीं, फिर रियाज नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा, फिर हुआ नहीं। मैं बिजी हो गया था। फिर इसी तरह होता है कि कोई ऐसा मौका मिले या कोई ऐसी ऐसा कॉन्सर्ट हो, जिस तरह इंडिया में जाता था तो वहाँ के ऐसे शोज होते थे जिनके लिए मुझे रियाज करना पड़ता। और आप तो लाइव गाते हैं, लाइव होता ही लाइव है, गाना होता ही लाइव है, गाना बजाना अगर लाइव नहीं है और अल्लाह की मेहरबानी से सुर और लय में नहीं है तो दैट इज नथिंग। एक हमने शो किया था हजरत अमीर खुसरो जी का, उसमें 3.5 घंटे में फारसी गाया था, उस पे मुझे बड़ा रियाज करना पड़ा था, तैयारी कंपोजिशन बनानी पड़ी थी, बड़ा बड़ी मेहनत। हाँ, ये बताइए कि इंडिया में आपने बहुत गाया, मुख्तलिफ शहरों में गाया होगा यकीनन, जी जी। पाकिस्तान में आपने बहुत गाया, ज्यादा अच्छे सुनवाइये किस जगह है और किस शहर में? मैं ये नहीं कहता कि आप किसी एक का नाम लें, मकसद कोई नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए। देखिए, अपने मुल्क की तो आप तारीफ करेंगे, वो तो आपकी समझ लें, वो आपके अंदर है, वो आपकी रूह के अंदर है, जी जी, उसका तो आप उसकी मिट्टी के आप बने, अल्लाह ने यहीं से तो बनाया। और तो पाकिस्तान के बाद बहुत इंजॉय किया इंडिया में, क्योंकि वहाँ लोग आपको समझने वाले खुद भी बहुत अच्छे हैं, गाने वाले भी बहुत अच्छे हैं। फिर मेरी सिंगर्स के साथ दोस्तियां बन गई, उसी वजह से मैं कुछ उनको मतलब सुनाता था, सोनू निगम के साथ, रूप कुमार राठौर जी, हरिहरन के साथ, फिर उस्ताद राशिद खान सब के साथ। तो चले गए दुनिया से ना? हाँ, अभी थोड़ा अच्छा हुआ, उसका बेटा अरमान, वो आपने राय साहब के साथ कोई इकट्ठे कुछ किया था? एक शो किया था। अरे वाह।